गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मैं गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ वो टोक्यो टाइम के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अराउंड 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, और 1 बजे से हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उसकी वेलकम पार्टी काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं होटल से निकल चुकी हूँ और मैं अभी हमाचो सबसे जो नियर बाई ट्रेन का स्टेशन है वहाँ पे जा रही हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से ट्रेन लेके फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी। तो डेफिनेटली आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग दिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो टोक्यो में आज मेरा सेकेंड डे है, बट ऑफिशियली जो कॉन्फ्रेंस का है वो डे 1 है, तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ वहाँ पर क्या क्या होता है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट, जाके पहले ट्रेन पकड़ते हैं एंड देन फिर जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने वासेडा यूनिवर्सिटी के लिए बस लिया है बीच में से, क्योंकि मुझे चेंज करना था और ट्रेन वाला ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था। खैर कोई नहीं, बस का एक्सपीरियंस भी ले लिया, अच्छी बात है। आते टाइम पर मैं सर्च आउट करूँगी इस ऑप्शन को और शायद फाइंड आउट कर ही लूँगी। तो अभी 2-3 स्टॉप मुझे चलना है, देन उसके बाद मैं शायद अपना डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। अभी मैं वासेडा स्टेशन देख के उतर तो गई, लेकिन ये बेसिकली जो मेन स्टॉपेज है, जो मेन यूनिवर्सिटी है उसका स्टॉप नहीं है। यहाँ पे वासेडा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अलग से थोड़ी सी दूरी पे है उसका कैंपस, मैं उस कैंपस के नियर बाई उतर गई। तो अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ, होपफुली मैं 10 मिनट में वॉक करके वहाँ पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। सो चलो चलते हैं और कैंपस ढूंढते हैं। फाइनली अभी मुझे बहुत सारे क्लू मिल गए हैं कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ। आई डोंट नो बट एंट्री कहाँ से मिलेगी, पूछना पड़ेगा इन लोगों को किसी को, पर कोई नहीं, फाइनली पहुँच तो गई मैं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा बैनर लगा रखा है ICI एजेंसी। सो होपफुली हम सही जगह पे हैं। फाइनली आई गॉट इट, सामने बिल्कुल मेरे यूनिवर्सिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली, होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं पास में जाके दिखाती हूँ। मिल गया मुझे यूनिवर्सिटी, 10 मिनट की वॉक तो हुई लेकिन मिल गया फाइनली। तो ये लोकेशन थी जहाँ पे मुझे आना था, ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। बट एंट्री किधर से है वो सोचना पड़ेगा मुझे, वहाँ सामने एक खड़े तो हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ एक बार। सो ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन कराती हूँ पहले। हेलो, या सो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टेप 1 में मुझे अपना आईडी कार्ड मिला, आई थिंक सो। तो ये तो स्ट्रैप है उसका, एंड इसमें क्या है, एक तो मैप है ये वाला जो पूरा यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं वो सारे इसमें मेंशन हैं। अब देखती हूँ, देखिए मेरा नाम है क्या इसमें या नहीं है। आईडी कार्ड अभी नहीं मिला, शायद इसमें डालना पड़ेगा आईडी कार्ड को, फिर शायद वो स्टेप 2 में कल मिलेगा, तो देखते हैं कल क्या होता है। आज तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है अभी।
सो रजिस्ट्रेशन मैंने डन कर दिया है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो सिटिंग एरिया है उसमें जाके मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि तभी अच्छा फील होगा। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी 2-3 घंटे का गैप है बीच में। एक पब्लिक लेक्चर करके अभी कुछ लेक्चर चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने सोचा मैं वेट करती हूँ और अगर मैं घंटे भर में रेस्ट करके अच्छा फील करूँगी तो उधर जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट वेलकम पार्टी में जाऊँगी। तो चलो मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं, तो मैं भी वेट कर लेती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ जो लाई थी बैग में डाल के, और फिर देखती हूँ, थोड़ा घूमूंगी बाहर तो आपको दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी एरिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको भी दिखाऊंगी, प्रोबेबली मैंने दिखाया है थोड़ा कुछ और बाकी आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ मैं इधर कैफ़े में आई थी और अभी सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऑर्डर है वो मैंने दे दिया है और वो प्रिपेयर हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलो कुछ तो खा लूँगी। ऑर्डर के टाइम पे मुझे ये दिया है जो बीप करेगा जब मेरा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा, तो वेट कर रही हूँ कि कब बीप करे और कब मुझे खाने को मिले। रेडी हो गया, मैं लेके आने वाली हूँ। ऐसा है, मुझे तो टेंशन हो रही है इसको देख के, और उन्होंने मुझे काली कॉफ़ी दे दी है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इसको बनाती हूँ अच्छे से। तो अभी मैंने खा पी लिया है और खा पी के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, और अभी मैं सोच रही हूँ इस साइड का जो एरिया है ना उसको एक्सप्लोर करके आती हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इधर देखो यहाँ पे ये कुछ शेर, ये शेर है क्या, कुछ तो है, मतलब लाइक ऐसे स्टेचू टाइप ऑफ दोनों साइड में बना रखे हैं, और इधर कुछ कैफ़े हैं, तो चलो एक्सप्लोर करके आते हैं, देख के आते हैं किस टाइप के हैं वो। काफ़ी ऐसे है ना जो जंगली जंगली एरिया होता है ना वैसे है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वाओ ये कितना प्यारा है, ये देखो आप, आई थिंक सो प्रॉपरली नहीं दिखा है, चलो मैं ऊपर की तरफ जाके एक्सप्लोर करके आती हूँ। कैफे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पे, चलते हैं थोड़ा उधर, काफ़ी शांति है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कैंपस में आके ऐसे। ये है कैफे, एकदम नेचर के बीच में बना हुआ है, सिटिंग एरिया देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। मैं अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी खा पी लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि अंदर जाके मैं सिर्फ टाइम वेस्ट करूँगी, कुछ खाऊँगी तो नहीं। वाह ऊपर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो ऊपर से कितना ज़्यादा प्यारा, काफ़ी सही बना रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन बिल्डिंग के आसपास में कितने सारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, अराउंड 5,000+ पार्टिसिपेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने बहुत सारी डायरेक्शन से वो एक्सप्लोर की है। सी कितना प्यारा व्यू है यार, तो यार मैं सोच रही हूँ सामने का एरिया एक्सप्लोर करके आती हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ना बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में है,
जो ये बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स लगा रखे हैं GH, ये सारा जो एरिया है डिफाइन करने के लिए लगा रखे हैं। और आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और बिल्डिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम बना रखी है इन्होंने। सो अभी फ़िलहाल मैं जी पॉइंट है उसकी तरफ घूमने जा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखा है, वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। As you can see, इधर भी कुछ बना रखा है, चलो वन बाई वन एक्सप्लोर करते हैं। ये जो बी पॉइंट है उसकी तरफ तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये बिल्डिंग, वाह। बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है यार ये बिल्डिंग तो। अभी मैं जो बी पॉइंट है उसकी तरफ आके बैठी हूँ, और ये वाला एरिया भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस यूनिवर्सिटी का एरिया है वो एक्सप्लोर करके, हाँ थोड़ी सी गर्मी है उसकी वजह से, अगर हम ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा थक जा रहे हैं, मतलब थोड़ा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो मतलब जल्दी एनर्जी ड्रेन हो रही है। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी अराउंड कितना टाइम हो रहा है, 4:14 हो रहा है, और अभी टाइम है मेरे पास 2-3 घंटे का, क्योंकि 7 बजे है जो वेलकम पार्टी है वो 7 बजे स्टार्ट होगी। तो मैं सोच रही हूँ एक दो एरिया और एक दो पॉइंट्स बचे हैं वो भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, देन फिर अगेन एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गोइंग गुड, और अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, देन फिर नेक्स्ट एरियाज हैं वो भी एक्सप्लोर करूँगी। अभी वेलकम पार्टी का टाइम हो गया है तो मैं उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, और बाकी आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो चलो चलते हैं। तो हेलो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पार्टी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और खाना पीना दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले काउंटर पे यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी, जो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि कौन सी ड्रिंक कौन सी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ ले रहे थे, तो चलो अच्छा है। देन फिर अगर हम नेक्स्ट काउंटर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर खाना रखा हुआ था, लेकिन वेज आइटम में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ यार मैं खाऊँ तो भी क्या खाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर सैलेड के अलावा और चाय और कॉफ़ी के अलावा। तो फाइनली मैं घूमने फिरने लग गई, पार्टी देखने लग गई, बिकॉज जब खाने का कुछ ऑप्शन नहीं है तो टाइम पास तो करना पड़ेगा, तो सिर्फ मैं घूम फिर के टाइम पास कर रही थी। और ये पार्टी है ना बहुत ज़्यादा लेविस पार्टी थी, मैंने लाइफ में इतनी अच्छी पार्टी कभी नहीं देखी थी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन इस फर्स्ट एक्सपीरियंस में एक बात बहुत ज़्यादा बुरी थी कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी बड़ी पार्टी होके भी खाने के लिए कुछ नहीं था मेरे लिए वहाँ पर। तो फाइनली घूमी फिरी काफ़ी देर, मैं वहाँ पर बैठी और ऐसे ही लोगों को देख रही थी एंजॉय करते हुए, देन उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। सो हाय गाइस, डिनर है वो कंप्लीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा था डिनर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। लेकिन पॉइंट ये था कि वेजिटेरियन के लिए वहाँ पे खाने में कुछ नहीं था, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड थी कि मैं वहाँ कुछ भी नहीं खा पाई, मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। और अभी मेरे को निकले हुए वहाँ से, मैंने एक ट्रेन का स्टॉप चेंज कर लिया है और अभी मैं सीधा हिमाचल स्टेशन जाऊँगी, तो अभी मैं ट्रेन लेती हूँ और फिर होटल पहुँच जाऊँगी। सो ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एडियन। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।